उसके बाद आप लोग को जो दो क्लास और नेक्स्ट वीक में आएगी उसमें किस डिजीज में क्या क्या योग बताना चाहिए, ठीक है, वो दो तीन क्लास में आप लोग को लिखाएंगे। फाइनल में आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं आता। आज लिखेंगे सर्कल, हेडिंग डालेंगे, ये आपके नेक्स्ट मंडे की टॉपिक है, सिर्फ सर्कल से पूछेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लेंगे, कर भी चुके हैं आप लोग प्रैक्टिकल सर्कल का। शरीर में उसके नीचे लिखेंगे शरीर में मेद, मेद 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 मतलब मोटापा, शरीर में मेद और श्लेष्मा के दोषों को दूर करता है, शरीर में मेद और श्लेष्मा के दोषों को दूर करता है या कम करता है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे पूरा। अगर पूछता है सटकर्म क्या है तो ये लाइन जरूर लिखेंगे, शरीर में मेद और श्लेष्मा के दोषों को दूर करता है या कम करता है। सटकर्म शरीर की शुद्धिकरण का, सटकर्म शरीर की शुद्धिकरण का दिव्य मार्ग है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से है? जल नीति नहीं लिखी, नेति, ठीक है, पहला नेति, दूसरा धौती, 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 धौती के बाद तीसरा नौली, नौली, नौली के बाद वस्ती, वस्ती के बाद कपालभाति, कपालभाति जो करते हैं वही कपालभाति प्राणायाम, ठीक है, वो एक्चुअल में सत्कर्म का पार्ट है, अब उसको प्राणायाम में ऐड करते हैं, ठीक है। कपालभाति के बाद लार्ज छठा त्राटक, त्राटक आपको इस वीक कराएंगे, वो यहीं पे कराएंगे शनिवार, ठीक है, जब आप सैटरडे या मंडे, जब आप होंगे सैटरडे आप ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, मंडे कराए या बीच में किसी दिन कराएंगे, ठीक है। कैंडल करके ग्रुप में चार पांच राउंड गोल बैठा के आप लोगों को कराएंगे, ठीक है, त्राटक का अभ्यास सिंपल है, बस कैंडल फ्लेम पे अपने दृष्टि को लगाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं, कोई बिंदु पे, ठीक है। सर कितना देर तक करते हैं ताकि? जब तक आग में पानी आने लगे या कोई दिक्कत हो, अगर आपको दो मिनट में दिक्कत हो दो मिनट में बंद, मैक्सिमम का भी टाइम है उससे ज्यादा नहीं करता, ठीक है, तो फलक नहीं झपकना उसमें, नहीं कंसेंट्रेट लगातार देखते रहे, ठीक है, बिल्कुल पलक झपका आग बंद कर। लाभ लिखेंगे सत्कर्म के, लाभ कीड़ा एवं पिंगला, कीड़ा एवं पिंगला के बीच संतुलन लाता है, पिंगला के बीच संतुलन लाता है, ठीक है। दूसरा इनके द्वारा शारीरिक, इनके द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण
एवं संतुलन प्राप्त होता है। इसके द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण एवं संतुलन प्राप्त होता है। वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में इसका बहुत योगदान होता है। वात, पित्त, कफ को संतुलित करने में इसका बहुत योगदान होता है। सावधानियां, इनका अभ्यास पुस्तकों से पढ़कर ना सीखें। इसका अभ्यास पुस्तकों से पढ़कर ना सीखें, किसी योग शिक्षक द्वारा ही इसका अभ्यास करना चाहिए। उसको ब्रैकेट में लिखो, किसी योग शिक्षक दूसरा लिखेंगे, इनका अभ्यास कब और कितने अंतराल के बाद, इसका अभ्यास कब और कितने अंतराल के बाद करना है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। करना या होना का इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला 6 षटकर्ण लिखाएं, सबसे पहला नीति हेडिंग डालें। अभी आपको लिखाया कि इसकी परिभाषा, इनके प्रकार और लाभ और सावधानियां। ठीक है, उसके बाद सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानेंगे। नीति के अंदर लिखेंगे, नासिका प्रदेश की शुद्धिकरण की बहुत शक्तिशाली विधि है। नासिका प्रदेश की शुद्धिकरण की बहुत शक्तिशाली विधि है। यह नाक तथा मस्तिष्क की सफाई करता है। प्रकार कितने प्रकार से करते हैं, कौन सा, जल नीति, रबर नीति और सूत्र नीति। टाइप में लिखेंगे, प्रकार पहला जल नीति जो आपने नीचे किया है, जल नीति, दूसरा रबर नीति, 3, 4, 5 नंबर के कैपिटल से करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का कैपिटल प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो सबसे पतला होता है, फिर जैसे जैसे अभ्यास में आप निपुण होते जाए कैथेटर की मोटाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, रबड़ नीति किया है ना सब लोग, इससे वापस निकलता है, यूं भी नहीं आती है, यूं भी नहीं। अच्छा, ऐसी बहुत कर रहा हूं,
तीन से प्रारंभ है। तीन से कितने तक? चार पाँच डेली और ज्यादा। डेली करना जरूरी है सर? नहीं, रबड़ नेति डेली करना जरूरी नहीं, ठीक है। रबड़ नेति और जल नेति दोनों का लाभ समान है। सिर्फ रबड़ नेति में प्लस क्या होता है, जब नाक में वो मांस बढ़ता है ना, साइनस का, जब वो हो जाए, आपके पास उसका कोई पेशेंट आए, तब रबड़ नेति कराते हैं। तो जब आप डेली उसको करते हैं तो धीरे धीरे वो रबड़ के रगड़ से मांस का जो बढ़ता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बस अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो रबड़ नेति करने की जरूरत नहीं, आप जल नेति करेंगे, सारे लाभ वो आपको मिलेंगे, ठीक है। नाक की हड्डी बढ़ेगी नहीं, वो मांस ही बढ़ता है, लोग को लगता है बहुत पुराना हो जाता है, वो लगता है हड्डी की सूत्र। जल नेति, रबड़ नेति और सूत्र नेति। सूत्र नेति से अब लोग नहीं करते हैं और टफ भी होता है, ठीक है। रबड़ नेति से बहुत ज्यादा टफ सूत्र होंगे, ठीक है। सूत्र में क्या रहता है, क्या रहता है इसमें, एक्चुअली मटेरियल क्या रहता है? सूत होता है कॉटन, ठीक है। उसमें आपको मोम या शहद लगा के उसको थोड़ा ठीक करते हैं ताकि वो अंदर जाए। वो उसी का होगा जो रबड़ नेति कर चुका है और बिल्कुल साफ है, आराम से वो चला जाए निकल जाए। जो लोग करते हैं वो कर लेंगे, नए लोग उस पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तीन तरह से आप नेति क्रिया करते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आवश्यक सामग्री। पहले में हम लिखे लिखा रहे हैं, बाकी सब में ऐसे ही लिखेंगे। आवश्यक सामग्री नेति इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल के लिए। वैसे पूरा सटकर आता है तो उसमें आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको उसका परिभाषा, लाभ, सावधानी, छह सटकर, उसके बारे में सारा, ठीक है। फाइनल में इसकी थोड़ी आप लोग तेज लगती है लिखने के लिए, क्योंकि आता सब रहेगा लिख नहीं पाते हैं। अगर पेपर देखते होंगे तो समझ में आया, ठीक है। एक विशेष प्रकार का लोटा, आवश्यक सामग्री में एक विशेष प्रकार का लोटा, गुनगुना पानी, और तीसरा क्या रहता है? नमक, ठीक है। विधि आपको पता है कैसे करते हैं, वही विधि है, एक बार बुक से पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आए फ्राइडे की क्लास में पूछ लेंगे, जो आप लोग इधर पढ़ेंगे मंडे को पूछ सकते हैं, संडे पढ़ के मंडे मॉर्निंग क्लास में, ठीक है। उसके बाद सावधानियां लिखेंगे जल नेति की, मतलब सिर्फ नेति की सावधानियां। अभी आप पहला सटकर्म का लिख रहे हैं, नेति, नेति क्या है वो लिखे, उनके प्रकार लिखे, आवश्यक सामग्री विधि बुक से, विधि हेडिंग डाल लें या बुक लिख लें, मतलब बुक से पढ़ेंगे, ये नहीं कि और एग्जाम में ये नहीं लिख देंगे कि बुक से अगर लॉन्ग में आता है, ठीक है। अभी कोई लिखा है ऐसे प्राणायाम वाले में, हमने नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम लिखाया था ना एक साथ, दोनों के लाभ से में किसी ने लिखा है उसमें कि ये मतलब दोनों का ये अभ्यास अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में मन को स्थिर करता है, ठीक है। जब आपसे अनुलोम विलोम पूछा है तो सिर्फ अनुलोम विलोम का, उसमें नाड़ी शोधन डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो लिखे होंगे उनको याद होगा, इस बार का पेपर अच्छा हुआ है सबका। प्राणायाम एक लोग का अभी भी प्राणायाम में सबका 9, 10 और 8 नंबर है, ठीक है। एक लोगों का प्राणायाम में भी 2.5 नंबर है, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप में नहीं बताएंगे अलग से, आप हमसे मिलिए, ठीक है। नहीं आता आप अलग से हमसे पूछिए, यहाँ नहीं पूछ सकते। जो क्लास में नहीं आ रहा उसी को नंबर कम आ रहे हैं सर,
बाकी सबका अच्छा नंबर है इस बार का तो पेपर हमको लग रहा है सबका बहुत अच्छा नहीं आते हैं पर समझ नहीं आती वो पर्ची कुछ वो आते हैं नहीं वो ठीक है वो इस बार के पेपर में एक जो था तत्व थोड़ा भी अगर नहीं भी पढ़े होते तो दिमाग लगाते हैं मैं बताया था पांच उंगली पांच तत्व उसमें से एक है विनीत सर ने भी बताया था आपको उस एग्जाम के समय तो हाथी और आधार आधार मतलब बेस बेस समझ में आया मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र का वाहन क्या है हाथी 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 और पृथ्वी पृथ्वी भी बेस होता है भारी होता है तो अगर थोड़ा तालमेल करते नहीं भी पढ़े होते तो मेरे ख्याल से लिख देते बहुत लोगों ने लिखा है तत्व ठीक है तो आधा नंबर कटेगा नाइन एंड हाफ इस बार अच्छा हुआ है लगभग मोस्टली सबका पेपर अभी एक और है इसमें भी सब आप लोग अच्छे से देखें सावधानियां जल का प्रवाह सावधानियां लिखेंगे जल का प्रवाह सिर्फ नासिका से होना चाहिए अगर नहीं गले में आ रही है तो मतलब आपके गर्दन की पोजीशन सही नहीं है ठीक है लिख लेंगे अगर गले या मुंह में जल का प्रवेश हो जाए गले या मुंह में जल का प्रवेश हो जाए तो आप अपने सिर की स्थिति सही कर लें जब सर की स्थिति सही नहीं रहेगी तभी आपके गले में प्रवेश होगा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अगर के पास ठीक है अगर गले या मुंह में जल का प्रवेश हो जाए तो सिर की स्थिति सही है ठीक है इसमें जब करते हैं तो श्वास मुंह से बाहर निकालते हैं ये सबको बताया गया है जी जलने भी किया सर जी जलने भी नहीं किसमें क्या बात जलने भी तो कम से कम आना चाहिए सबको सबसे सिंपल है मुंह से श्वास बाहर लेते हैं जलनेती तो सबका हो गया मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसका जलनेती ना हुआ मुंह को खुला रखते हैं मुंह खुला रहा जिसका नहीं हुआ वो ट्रेंड नाक से लेंगे तो भी पानी आपका सही से नहीं होगा तो मुझे लेंगे मुझे सांस को अभ्यास के बाद उसी में सावधानियां में लिखेंगे अभ्यास के बाद नासिका प्रदेश को पूर्णतः सुखा लेना चाहिए हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि करने के बाद नाक को कैसे सुखाते बताया ना 20 बार इधर से 20 बार इधर से फिर दोनों से जैसे कपालभाति करते हैं उससे करेंगे या भस्त्रिका जिस तरह श्वास को बाहर निकालना उसके बाद भी आप रूम में जाके कौन सा आसन करते हैं शशांक लिख लें इसको नोट करके लिखेंगे कि शशांक आसन का अभ्यास जल नीति करने के बाद करना चाहिए उससे क्या हुआ जब आप शशांक आसन में शशांक आसन पता है वज्रासन समूह का आसन है उसमें वज्रासन में बैठते हैं हाथ ऊपर करते हैं श्वास छोड़ते हुए तो उसमें श्वास नॉर्मल रखेंगे और थोड़ी देर तक सर को नीचे रख के रुक जाएंगे तो अपने आप जो भी पानी हल्का फुल्का बचा हुआ है वो निकल जाएगा सर अगर शीर्षासन किया जाए शीर्षासन अगर आता है तो लेकिन शीर्षासन नहीं आता है पानी फिर ऊपर ही निकलेगा नहीं नहीं शीर्षासन में आ जाता है एक्चुअली स्टेप होता है ना करने का
ऐसे ससांग आसन बेस्ट है, ससांग आसन करेंगे, ठीक है। नासिका उसी में लिखेंगे, सावधानियां में, नासिका रक्त स्राव, नासिका रक्त स्राव की दीर्घकालीन, नासिका रक्त स्राव की दीर्घकालीन बीमारी की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में उचित सलाह के बाद अभ्यास करें। ठीक, समझ में आया था? ऐसा करना सर, अगर नाक के अंदर खून जाता है क्या? हाँ, ब्लड ब्लड आता है। हाँ, तो उससे पहले डिस्कस कर लेंगे, जिससे सीख रहे उसके बाद करें, ठीक है। अगर आ रहा है तो उस समय नहीं कराएंगे, पहले वो अभ्यास, मतलब हो भी अगर आता है, खून की ब्लीडिंग हो रही है या कुछ कर रहा है, तो उसको ना करवाएंगे, नहीं कराएंगे, ठीक है। इनफेक्ट कान में भी जिनको प्रॉब्लम होती है उनको भी जलने की नहीं जाना, फट नहीं गया, बहुत लोग होता है ना कान से मवाज या कोई दिक्कत, तो बीमारी पहले ठीक हो जाए उसके बाद लगाए। ये सब थोड़ी चीज बेसिक चीजों को देखना जरूरी है। लाभ लिखेंगे, नेति का लाभ लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम है, कान बहता हो तो नहीं कान रहता हो, लाभ लिखेंगे नेति के। नासिका की अशुद्धियों, नासिका की अशुद्धियों व जीवाणुओं का निष्कासन करता है, नासिका की अशुद्धियों व जीवाणुओं का निष्कासन करता है, साइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नजला, वायु रंध्र दोष, या साइनस भी लिख देंगे, वायु रंध्र दोष के उपचार में मदद करता है, देखेंगे। कान, कान आग एवं गले की अनेक बीमारियों में लाभ पहुंचाता है, गले के अनेक बीमारियों में लाभ पहुंचाता है, माइग्रेन, माइग्रेन की हिंदी माइग्रेन में जलनेति, माइग्रेन में जलनेति बहुत ही लाभकारी होता है, लाभकारी होता है। अत्यधिक सिर दर्द, अत्यधिक सिर दर्द एवं क्रोध में लाभकारी होता है, क्रोध, क्रोध जिसको बहुत गुस्सा आता है,
उस वक्त थोड़ी कम करो टीचर से स्टूडेंट माहौल में सबको कर आज्ञा चक्र के जागरण में सहायक होता है। आज्ञा चक्र के जागरण में सहायक होता है। हो गया रबड़ नीति सामग्री एक तीन नंबर का कैथेटर रबड़ की पाइप चार पांच दिन छोड़ दीजिए हैं चार पांच दिन छोड़ दीजिए लिखना हो तो छोड़ दीजिए बुक से पढ़ना हो छोड़ दीजिए विधि वही है जैसे कराया गया तीन नंबर का रबड़ का कैथेटर और सरसों का तेल बस दो ही चीज प्रयोग उसके बाद लाभ लिखेंगे विभिन्न मानसल अवरोध मानसल अवरोध व सामान्य सूजन को दूर करता है बाकी जो जलनेति में लाभ है वो लाभ मानसल अलग से रबड़ नेति नहीं पूछेगा जब भी पूछेगा नेति पूछेगा सर अगर वो आप तो ये आप जल्दी लिखें ये आप इसमें लिखने वाले की हाँ लिखने अगर सर रबड़ नेति पूछता है तो नेति पूछता है तो बस वहाँ लिखा यहाँ एक लाइन बस ये चलेगा क्रम क्रम लिखेंगे प्रतिदिन जल नीति के बाद अगर रबड़ नीति किसी को कराना है पहले जल नीति क्रिया कराएंगे फिर रबड़ नीति तो थोड़ा आसानी होगा करने में ठीक है सावधानियां लिखेंगे रबड़ या कैथेटर रबड़ को नासिका में धीरे धीरे डालना चाहिए अधिक बल का प्रयोग नहीं करें फिर लिखेंगे अभ्यास को शांत जगह पर करें उसी में और लिखेंगे नेक्स्ट अगर अभ्यास करते समय जगह पर करें अगर अभ्यास करते समय ब्लड खून आता है तो अभ्यास तुरंत बंद कर दें बहुत लोग ज्यादा प्रेशर करते हैं तो हल्का ब्लड आने लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो अभ्यास बंद कर देंगे और दो चार पांच दिन फिर अभ्यास नहीं करेंगे जब तक वो घाव ठीक ना हो अगर ब्लड खून आता है अभ्यास करते समय तो अभ्यास तुरंत बंद कर देंगे उस
इसके बाद दूसरा क्या है भौतिक सूत्र नीति नहीं रबड़ नीति सूत्र नीति दोनों का एक ही जल नीति जल नीति प्रतिदिन करता है हमेशा 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 कोई साइड इफेक्ट नहीं बस बहुत ज्यादा सर्दी हुई हो तब नहीं करें अगर आप कर रहे हैं तो सर्दी हो जल लेती के बाद सर यहाँ पर हमको जब रबर नीति कराई गई तो उस दिन जल नीति नहीं कराई हमको हाँ वो दोनों होता नहीं आप कर रहे थे ना एक हफ्ते आप करें तो आपका नाक और साफ हो गया था ना उसके बाद जरूरी नहीं उस दिन करिए उसका मतलब ये होता कि जो ब्लॉकेज हो वो खुल जैसे आपके और पेशेंट आता है एक ही दिन के तो आप पहले उसको जल नीति कराएंगे उसके बाद वो कराएंगे अगर आपके पास एक महीने है तो 10 दिन आप उसको जल नीति कराइए जल नीति हो जाए तो रबड़ नीति क्रम से उसको ऐड कर दीजिए हौती जल नीति डालेंगे हेडिंग दूसरा बहुत ज्यादा सर्दी हुआ हो तो तब नहीं कराए ठीक है धौती दूसरा पहला नीति हो गया अब धौती धौती या शरीर के स्थूल दोषों के या शरीर के स्थूल दोषों को दूर करता है मुंह से उसी में आगे देखिए मुंह से गुदा द्वार तक की अन्य नलिका की पूरी तरह से सफाई होती है मुंह से गुदा द्वार तक की अन्य नलिका नलिका की पूरी तरह से सफाई होती है के कई प्रकार हैं आपके बुक ठीक है पहला है वातसार धौती लिखेंगे वातसार धौती धौती के अंदर ही ये सब शॉर्ट नोट में आ जाता है वातसार धौती क्या है तो इसको पढ़ लेना वातसार धौती कराया गया अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा वातसार धौती भुजंग इसके अंदर लिखेंगे भुजंगनी मुद्रा की तरह हवा को पानी की तरह पीते हैं भुजंगनी मुद्रा कराया था ना आपको वही बात साध होती भुजंगनी मुद्रा की तरह हवा को पानी की तरह पीते हैं फिर पेट में हवा को कुछ देर तक रखकर पेट में हवा को कुछ देर तक रखकर घुमाते हैं ये सही मजा नहीं करा देंगे सुबह कुछ देर तक फिर पेट में हवा को कुछ देर तक रखकर घुमाते हैं मतलब हवा को इधर उधर करते हैं पेट हिला के ठीक है फिर डकार लेते हुए पूरे वायु को बाहर निकालते हैं
सेम है भुजंगनी मुद्रा, उसमें हवा आप पीते थे और टकार के साथ निकाल देते, इसमें हवा को पानी की तरह पिएंगे और थोड़ी देर तक पेट में रखकर इधर उधर पेट को हिलाते हुए घुमाते हैं और फिर डकार लेके निकालते हैं। ये कौन सी धोती है? वारिसार धोती। दूसरा है वारिसार धोती। वारिसार धोती इंपॉर्टेंट करेंगे, वारिसार धोती को। इसमें क्या आता है? संग प्रक्षालन क्रिया, नाम सुना है ना, इसी को कहते हैं वारिसार। लिखेंगे उसमें वारिसार के बाद ब्रैकेट में लिखे संग प्रक्षालन क्रिया। संग प्रक्षालन क्या होता है? पांच आसन होते हैं, पांचों आसनों के आठ आठ चक्र, दो गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद पांच आसन के आठ आठ चक्र करते हैं। कौन कौन से आसन? नहीं भैया, दो ही पीते हैं, ठीक है, वही सुनिए फिर समझ में आ जाए। पांच, दो गिलास पानी पीते हैं, पांच आसन भी लिखा रहे, लिखिए नहीं अभी लिखा रहे बुक में है आपके। पांच आसन है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उधराकर्षणासन। कैसे करते हैं ये पांचों आसन आपको सुबह कराएंगे। ये पांच आसन है, ताड़ासन आप करते हैं, तिर्यक ताड़ासन भी करते हैं, कटी चक्रासन भी करते हैं, तिर्यक भुजंगासन वो भी करते हैं, एक उधराकर्षण आसन है, जैसे कौवा चाल आसन होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें चलना नहीं होता, एक जगह पे ही करते हैं, वो हम करके आपको दिखाएंगे, आपसे कराएंगे। ये पांच आसन है, दो गिलास पानी पीते हैं, इन पांचों आसनों के आठ आठ चक्र करते हैं, मतलब आठ चक्र मतलब आठ बार ताड़ासन, आठ बार तिर्यक ताड़ासन, मतलब राइट लेफ्ट लेके वन, फिर राइट लेफ्ट लेके टू, इस तरह आठ, आठ बार कटी चक्रासन, आठ बार तिर्यक भुजंगासन और आठ बार उधराकर्षणासन। जब ये हो जाए फिर दो गिलास पानी पीते हैं, फिर इन पांचों आसनों के आठ आठ चक्र करते हैं, फिर दो गिलास पानी पीते हैं, फिर पांचों आसनों के आठ आठ चक्र करते हैं, उसके बाद शौच के लिए जाते हैं। ये आपका लघु संप्रक्षालन होगा। क्या हुआ? लघु, पूर्ण नहीं। तो पूर्ण में क्या करते हैं? पूर्ण में जितना लघु में किया इतना तो करते हैं, तीन बार जब हो जाए आठ आठ चक्र, शौच के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दो गिलास पानी पीते हैं, पांचों आसनों के आठ आठ चक्र करते हैं, फिर शौच के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दो गिलास पानी पीते हैं, पांचों आसनों के आठ आठ चक्र करते हैं, फिर शौच के लिए जाते हैं। कब तक जाएंगे? वो तब तक जाते हैं जब तक आप शौच में जाएं और सिर्फ साफ पानी में, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कभी भी फर्स्ट टाइम पूर्ण संग प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। हो सकता है भाई जिसका पेट साफ है वो चार पांच या छह राउंड में हो जाए, ठीक है, तो पहले लघु का अभ्यास दो तीन महीने कर लेना चाहिए। लघु महीने में एक बार कर, ये सब लिखाएंगे आपको, ठीक है। लघु महीने में एक बार करते हैं और पूर्ण संघ प्रक्षालन छह महीने में एक बार, सिक्स मंथ में। अगर आप एक बार पूर्ण कर लिए तो आपको छह महीने फिर आपके पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। पूर्ण होता बहुत अच्छा है, हम एक बार करें वो भी मुंगेर में जब आश्रम में, उसके बाद उतना समय नहीं मिला किया जाए। पूर्ण संघ प्रक्षालन में होता क्या है, आपको एक दिन पहले भी शाम में आरोग्य मंदिर की तरह खाना खाना होगा। जिस दिन करते हैं उस दिन सारा अभ्यास करते हैं, उसके बाद खूब ज्यादा घी वाली मूंग की खिचड़ी खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नमक वाला पानी पी रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो लेयर गंदगी की है वो हटाता जाता है, और उसके बाद आप सोचे भैया आपको पेट साफ, चलो होटल में कुछ खाएं, तो अगर मिर्च मसाला खाएं वो तो डायरेक्ट आपकी स्किन को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो
तो पहले मूंग वाली खूब घी डाल के, ताकि घी जाके वो चिकना लेयर बना दे अंदर आंत में, तो वो मूंग की खिचड़ी खाते हैं। उसके बाद उस दिन कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट मतलब ये नहीं कि जाके सो गए, सोना बेड रेस्ट नहीं मानते, ठीक है? आप सोए और लगा बुरा सपना आने का, तो कंप्लीट बेड रेस्ट मतलब आप जगे रहिए, रिलैक्स रहिए पूरे दिन, कोई काम नहीं करना, क्योंकि शरीर बहुत थक गया होता है पूर्ण संकट साल। तो हम लोग को मुंगेर में एक दिन रेस्ट करने को मिला था, तो हम लोग बड़े खुश हुए थे, चलो वहां संघ प्रसारण से ज्यादा कर्म योग कराते थे, तो संघ प्रसारण लगा कुछ नहीं है, आराम से करें और पूरे दिन भर रेस्ट करने को, और मूंग को घी वाली, मूंग वाली खिचड़ी खाने को मिली, तो आदमी जहां एक प्लेट खाता दो दो प्लेट, ठीक है? तो संघ प्रसारण लिखे, इसमें लिखेंगे संघ प्रसारण, दो प्रकार के होते हैं संघ प्रक्षालन, दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु संघ प्रक्षालन, दूसरा पूर्ण संघ प्रक्षालन। हम आपको लघु कराएंगे बिना पानी पीने, ठीक है? कल क्योंकि शौच में जाना है इसलिए, तो बिना पानी पिलाए पांचों आसनों के आठ आठ चक्र तीन बार कराएंगे, तो आपको पता होगा कितना बॉडी थकता है। कब जो चीज भी आप किसी को कराते हैं उसको खुद इसलिए करते हैं ताकि आपको फील हो कि आप दूसरे को करा रहे हैं तो कैसा होगा। अगर आप खुद सूर्य नमस्कार नहीं करे होंगे तो आप पहले दिन ही किसी को 10 राउंड करा दे, उसके बाद क्या होगा दूसरे दिन वो आपके नहीं इतना बॉडी पेन उसको होने लगेगा, राजर मूव जेल टिकिंग पैड या जो भी ट्रीटमेंट करे करेगा, मन में पेन किलर खाए और सोएगा कहेगा भैया ये खराब है इनके हम, ठीक है? आप स्टेप वाइज कराएंगे, जब खुद पता होगा कि बॉडी में कितनी एनर्जी खर्च होती उसको करने में, ठीक है? दो प्रकार हो गए, इसमें लिखेंगे संघ प्रक्षालन करने में पांच आसनों का प्रयोग करते हैं, संघ प्रक्षालन करने में पांच आसनों का प्रयोग करते हैं। पहला ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, सब बुक में आते हैं तभी निकली, चौथा तिर्यक भुजंगासन, और पांचवा उदरा कर्षणासन। बुक है बगल में तो देख, कैसे करते हैं कल बता देंगे। ताड़ासन यही क्रम में, इसका क्रम इधर उधर आप नहीं कर सकते। अगर आपको पूछता है संघ प्रक्षालन क्या है तो इनकी दो विधियां हैं और पांच आसनों का प्रयोग होता है, अगर आप ऊपर तिर्यक लिख दिए नीचे ताड़ासन तो गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसी क्रम में लिखना है, इस आसन को इसी क्रम में लिखते हैं और इसी क्रम में करते हैं, वो जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। पानी पीते हैं आप इस क्रम में, आपका पानी धीरे 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 नीचे आता है, जब लास्ट उतरा कर आसन करते हैं कल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो पानी की लेयर एकदम नीचे आ जाएगी।
नीचे लिखेंगे ऐसी अंडरलाइन करके लिखेंगे लघु संप्रसारण के बाद लघु संप्रसारण के बाद ही पूर्ण संप्रसारण करना चाहिए निर्देश करके ये सब लिखेंगे हेडिंग निर्देश डालने या नोट लिखने उसके अंदर ये सारे पॉइंट लिखेंगे जो लिखा है इसको आप पेपर में भी देख सकते हैं जब आपका लॉन्ग आंसर में अगर संप्रसारण पूर्ण संप्रसारण के पूर्ण संप्रसारण के 45 मिनट बाद 45 मिनट्स बाद अंडरलाइन करेंगे 45 मिनट्स बाद मूंग की अधिक घी डाली हुई खिचड़ी का सेवन करते हैं मूंग की अधिक घी डाली हुई खिचड़ी का सेवन करते हैं क्या हो मुंह में पानी आ गया पसंद है पूर्ण संप्रसारण के बाद 45 मिनट बाद पूर्ण संप्रसारण के बाद 45 मिनट के बाद ही पूर्ण संप्रसारण के 45 मिनट के बाद मूंग की दाल वाली अधिक घी डाली हुई खिचड़ी का सेवन करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पूर्ण संप्रसारण करने के एक सप्ताह पूर्व हमें गिन कह रहे थे एक सप्ताह पूर्व संयमित भोजन करें अगर चाहते हैं कि ज्यादा थकना ना ठीक है एक सप्ताह पूर्व संयमित भोजन करें मतलब सादा खाना खाएं जैसे फिर नेक्स्ट लिखेंगे रासायनिक विधि से तैयार भोजन रासायनिक विधि से तैयार भोजन एवं मांसाहार भोजन का सेवन एक हफ्ते पूर्व से ना करें रासायनिक विधि से तैयार भोजन एवं मांसाहार भोजन का सेवन एक सप्ताह या एक हफ्ते से पूर्व ना करें संप्रसारण के लाभ वो विधि आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ लिखवा देंगे अभी लास्ट में लिखा हुआ संप्रसारण के लाभ लिखेंगे पाचन संस्थान से संबंधित अनेक रोगों को ठीक करता है मधुमेह में अति लाभकारी अभ्यास होता है मधुमेह में अति लाभकारी अभ्यास होता है नेक्स्ट लिखेंगे इससे शरीर को हल्कापन एवं मन को स्थिरता मिलती है इससे शरीर को हल्कापन एवं
मन को स्थिरता मिलती है। नेक्स्ट लिखेंगे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक साधकों के लिए, आध्यात्मिक साधकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। सावधानियां लिखें, क्रिया समाप्ति के बाद कम से कम 45 मिनट्स बाद ही कुछ खाना है। बिना मूंग की खिचड़ी बोले तो दम तुरंत टूट कर, ठीक है, 45 मिनट्स के बाद ही कुछ खाएंगे। जिस दिन हो गया पहला सावधानी, क्रिया समाप्ति के बाद कम से कम 45 मिनट, 45 मिनट्स बाद ही कुछ खाना है। दूसरा लिखेंगे जिस दिन क्रिया करें उस दिन पूरी तरह से आराम करेंगे। उच्च रक्तचाप के लोग सादे गर्म जल का प्रयोग करेंगे। उच्च रक्तचाप के लोग सादे गर्म जल का प्रयोग करेंगे, नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसी में और योग शिक्षक के सामने ही अभ्यास को करेंगे ताकि बीपी कंट्रोल हो, चेक करके दवा खाए हो, फिर अभ्यास को करें अगर करना है तो। हो गई सावधानी, विधि आप लिख लेंगे बुक से। गुरु का प्रयोग करने से छांव आने लगता है। हाँ, अगर संप्रचालन के बाद अगर गुरु का प्रयोग किया जाएगा तो छांव आना चालू होगा। हाँ, बुक में है लिखा हुआ, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आप हमसे। और सर इसको गर्मी टाइम में नहीं करते हैं? गर्मी में नहीं, कभी करते थे। गर्मी में क्या है, इसको करने में और गर्मी आती। सबसे बेस्ट होता है लघु, लघु भी आप 6 महीने कर लिए हर महीने तो आप पूर्ण की तरह या एक